फाइनली हम लोग बटर यहाँ पे काजू बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। ये सबसे ओल्डेस्ट बियर जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, लाइगर ट्राई करना। तो बोटिंग एक्सपीरियंस लेना है तो आप जरूर ये ट्राई करें। वो भी करें, अपने रिस्क पे करें। 200 रुपये भर के अपनी जान कुर्बान करके बोटिंग करने आओ। गुड आफ्टरनून दोस्तों। नॉर्थ गोवा कल हम लोग 2 दिन एक्सप्लोर करने के बाद सीधे हम लोगों ने 2 घंटे का ट्रैवल किया है कहाँ से, और हम लोग पहुँच चुके साउथ गोवा। अब लोकेशन देख सकते हो गूगल केस। तो आइए आपको अंदर का रूम के दर्शन दिखाएंगे। तो ये पॉकेट फ्रेंडली हमें मिला हुआ है 1500 रुपये में। आपको ये 1 नाइट के लिए मिलेगा। हम लोग यहाँ पे 2 नाइट रहेंगे सर। तो 1500 3000 हमारा यहाँ का टोटल कॉस्ट हो रहा है। यहाँ पे का फूड हम लोग आउटसाइड करेंगे, बट लोकेशन बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ। हाँ, तो ये प्लेस लोकेटेड है वालका बीच के नज़दीक में, और यहाँ से कोलोलम बीच हम जाएंगे वो ऑलमोस्ट 1 आवर की दूरी पर होगा। तो 1 आवर ट्रैवल करने के बाद हम लोग सीधा मिलेंगे वहाँ पे, जहाँ पे बटरफ्लाई बीच भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले आज। तो आज और कल का दिन हम लोग पूरा साउथ गोवा एंजॉय करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो मिलते हैं। गुड इवनिंग गाइज। तो फिलहाल हमारी नॉर्मल शॉपिंग हो चुकी है, और अगर आप गोवा आए हो तो काजू लेना नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पे काजू बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे आपको, और उसके अलावा आपको कम रेट में भी मिलेंगे। तो हम लोग अभी फ़िलहाल एक शॉप पे आए, पटेल शॉप की, ये नॉर्थ गोवा में, और हम लोगों ने काजू की शॉपिंग भी कर ली है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं शॉप की लोकेशन भी आपको दे दूँगा यहाँ पे। तो प्लीज़ आप यहाँ पे विज़िट करें और काजू लेना ना भूलें। सबसे ओल्डेस्ट बियर जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, लाइगर ट्राई करना। तो अच्छा वाला टेस्ट है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आओ, ये ट्राई करो गोवा में। तो दूसरे बार आफ्टरनून दोस्तों। तो हम लोग साउथ गोवा जस्ट अभी पहुँचे, और हमें जाना था बटरफ्लाई ब्लीच के लिए, बट वो फ़िलहाल अभी बंद रहेगा क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर के सीज़न में चालू रहता है। तो आप उसी वक्त आए, मैं तो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल बीच है आपको वो देखने के लिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था जो कि बोटिंग के लिए, तो हम लोग अभी बोटिंग ट्राई करेंगे मैंगलोर में। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो हम लोग को बटरफ्लाई बीच तो नहीं मिल रहा, तो हम फिलहाल अभी बोटिंग ट्राई करेंगे जो कि ईगल शो होगा वहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम लोग का बोट निकल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ का कॉस्ट होगा 1500 से लेके 1000, बट शायद हम लोग को उन्होंने डिस्काउंट दिया तो 1000 रुपीज़ वो लोग बोल रहे हैं। तो चलते बोट राइड के लिए। देखो
देख लो एक बार गूगल फीडिंग हो अच्छा लगेगा तो मैं मेरे सारे जो भी सब्सक्राइबर है उनको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आने के लिए। तो हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो चलो चलते। जो चिकन का फ्लैश रहता है ना फैट्स वगैरह वो डाल दो। ये देखो ये व्हाइट बेलिक सीगल है। सही यार, उसको सिर्फ बड़ा ही पीस डाला तो ही आता है, छोटे नहीं। गुड आफ्टरनून गाइस, तो आज हम साउथ गोवा के नए लोकेशन पे आ चुके हैं जो कि बटरफ्लाई बीच, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा आप बोट से भी आ सकते हो, जो कि सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में उसका सीज़न होगा क्योंकि हाई टाइड होगा, तो आपको अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि ये सीज़न है। उसके अलावा आप बाइक से भी आ सकते हो, तो आप बाइक पूरा अंदर तक बीच तक आ सकती है। तो उसके अंदर आने के पार्किंग चार्जेस और ये सारे मिला के 100 रुपीज़ चार्ज होगा। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो उनका एक फोर व्हीलर भी रहेगा, तो आप फोर व्हीलर से भी आ सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाई है इधर उधर घूम रही है। तो हम लोग बीच पे अभी जाएंगे और आपको और भी व्यूज़ दिखाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं बीच की तरफ। Yeah.
बटरफ्लाई बीच करने के बाद हम लोग आया बीच की तरफ आए हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट बटरफ्लाई बीच से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये, आप मिस ना करें। मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आओ। हाँ, हम लोग आ चुके हैं कोला बीच के यहाँ पे, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं ये जो दिख रहा है आपको बोटिंग कायो की। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कायाकिंग करने, यानी कि ये एक बोटिंग होगा जिसमें आप खुद ही बोट चला सकते हो। तो ये एक बोटिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हो गोवा में आके। तो यहाँ का लोकेशन है कोला बीच के यहाँ पे, कोला बीच से ये बहुत ही नज़दीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आके ये इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ के चार्जेस होंगे 200 रुपीज़ पर पर्सन, और ये लोग सेफ्टी आपको लाइफ जैकेट भी देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी बोट्स है, मतलब इसमें जगह तो लग नहीं रही मुझे, बट देखेंगे हम लोग कैसे बैठेंगे क्या है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो आप भी देख लो। तुम्ही दोघे एकमेकांना ऍडजस्ट कराल, मेरा क्या होगा कालिया। मेरे सब प्यारे सब्सक्राइबर के लिए त्यालाच पोहता येतं म्हणून। तो हम कर रहे हैं आज काय की बोटिंग एक्सपीरियंस लेना है तो आप जरूर ये ट्राई करें। ये सोनी का टाइम बता तो बोलते कि बहुत मजा आ रहा है करने, जास्त घेतो ना पैसे जास्त घेतो, क्योंकि ये आपको खुद ही करना है ना, कोई आपके साथ होगा ना कोई, यानी कि आप गिरोगे डूबोगे कोई बचाने वाला भी आसपास है ही नहीं, देख सकते। तो जो भी करे अपने रिस्क पे करे, 200 रुपये भर के अपनी जान कुर्बान करके बोटिंग करने आओ। अरे रिस्क लाइफ रिस्क फैक्टर।